भारत विकास परिषद राजसमंद शाखा द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षी परिंडा वितरण एवं गौवंश हेतु हरे चारे की सेवा का प्रकल्प प्रारंभ किया गया। परिषद सचिव गौड़ मुंदड़ा ने बताया कि परिषद के वर्ष प्रयत्न चलने वाले सेवा कार्यों के तहत गर्मी की तीव्रता को देखते हुए राजसमंद शहर के हर क्षेत्र में परिषद सदस्य के माध्यम से पक्षियों हेतु 201 परिंडे वितरण, गौवंश हेतु चारे के निमित्त सेवा एवं ग्राहगीरों हेतु अनेक स्थानों पर जल मंदिर के संचालन के विभिन्न प्रकल्पों का शुभारंभ 100 फीट स्थित जेके गार्डन में किया गया। प्रकल्प प्रभारी जितिन जैन ने बताया कि इस अवसर पर उपस्थित सभी सदस्यों ने अलग अलग समूह बनाकर शहर के विभिन्न स्थानों पर गौ माता को हरे चारे की सेवा की और शहरवासियों को परिंडे वितरित करते हुए उनमें नियमित दाना पानी हेतु आग्रह किया। परिषद अध्यक्ष प्रदीप लड्ढा ने बताया कि अनेक स्थानों पर घरों के बाहर गौवंश हेतु पानी के पात्र रखवाए जा रहे हैं। साथ ही राहगीरों हेतु शहर के मुख्य मार्गों पर आगामी 2 माह के लिए अस्थायी जलपियाओं की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष प्रदीप लड्ढा, शाखा सचिव गौरव मुंद्रा के साथ निवर्तमान शाखा अध्यक्ष सुनील लखोटिया, सहसंयोजक महिला सहसंयोजक पूजा बंग, गीता व्यास, आशा सोनी आदि परिषद सदस्य मौजूद रहे।